दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लग्जमबर्ग की कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिन कंपनीज के जरिए आपको जो है लग्जमबर्ग का वीजा मिल सकता है। जी हाँ, ये कंपनीज जो है टॉप कंपनीज हैं लग्जमबर्ग की, जिनके अंडर ऑलमोस्ट हर साल जो है बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाता है। तो हो सकता है कि भैया यहां पर ऐसी जॉब्स अवेलेबल हो जिनके लिए आप अप्लाई करें, आपको भी मौका मिले और आप भी जाकर के लग्जमबर्ग में लाखों रुपए कमाएं। एवरेज सैलरी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो लग्जमबर्ग की एवरेज सैलरी 4,000 से 5,000 यूरोस की है। ठीक है, तो सालाना आप जो है 48,000 से 60,000 यूरोस तक कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन थोड़ी सा कम है, तो सैलरी जो है ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। फिर भी आप जो है 2,500 से 3,000 यूरोस कमा सकते हैं दोस्तों, और अगर आपकी मतलब क्वालिफिकेशंस में बहुत ज्यादा दम है तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, आपकी सैलरी ऊपर नीचे होती रहती है। दोस्तों बात करें लग्जमबर्ग के वीजा के कॉस्ट की, लग्जमबर्ग का वीजा का जो है आपको मात्र 4,412 रुपए में मिलता है। आप बहुत आसानी से लग्जमबर्ग एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर के लग्जमबर्ग वीजा की जानकारी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं और कितना पैसा लगने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4,412 रुपए लगेंगे, VFS का कॉस्ट, सर्विस चार्ज वगैरह सब कुछ मिला करके भी आप 10,000 रुपए के अंदर अंदर वीजा ले सकते हैं। और एम्बेसी की वेबसाइट पे ही साफ साफ लिखा हुआ है कि लग्जमबर्ग गवर्नमेंट जो है किसी भी एजेंसी के साथ जो है कॉपरेट नहीं करती है और सिर्फ VFS के थ्रू ही वीजा दिलवाती है। तो वीजा चाहिए तो VFS के थ्रू ही मिलेगा, किसी एजेंसी के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों। ठीक है, और उसके लिए आपको जॉब्स खुद से ढूंढनी पड़ेगी। जॉब्स ढूंढिए, आप वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप कंपनीज की वेबसाइट पे जा सकते हैं। सारे तरीके मैंने पहले वीडियोस में बता रखी है, आज भी मैं आपको कुछ नई कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिन कंपनीज की वेबसाइट पे आपको जाना है। सीवी कवर लेटर आपका बना होना चाहिए, आपको जो है सीवी कवर लेटर अपलोड करना है और वेट करना है रिस्पॉन्स का। ठीक है, अगर आपके पास सही स्किल्स होंगे, सही जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो रिस्पॉन्स भी आएगा, अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपको दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों सीवी कवर लेटर खुद से बना सकते हैं आप फ्री में europa.eu की वेबसाइट पर जाके, अदरवाइज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे। सीवी कवर लेटर की पेमेंट में जो है हम आपको सिर्फ सीवी कवर लेटर की सर्विसेज ही नहीं देंगे, बल्कि अगर आप हमसे बात करना चाहेंगे तो वो भी हम आपसे करेंगे दोस्तों, आपको समझाएंगे भी। ठीक है, तो बिना सोचे समझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और सीवी कवर लेटर बनवाइए और अप्लाई कीजिए। दोस्तों अभी मैं आपको डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट्स पे लेकर चलता हूं और देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको सबसे पहली कंपनी पे लेके आया हूँ और इस कंपनी का नाम है लक्स एयर। जी हाँ दोस्तों, ये जो है मतलब ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको हर टाइप की जॉब्स देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको शेफ की जॉब्स देखने को मिलेगी, फ्लाइट अटेंडेंट्स की जॉब देखने को मिलेगी, आपको एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस की जॉब देखने को मिलेगी, इस तरीके की आपको जॉब्स देखने को मिल जाएगी दोस्तों। बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे इंडिया में इंडिगो है, वैसे ही लग्जमबर्ग में जो है ये एक लक्स एयर नाम की कंपनी है जो कि मतलब फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब्स वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इंटर्नशिप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा और स्पॉन्टेनियस एप्लीकेशंस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्पॉन्टेनियस एप्लीकेशंस में जो है आप रैंडमली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहां पर इस टाइप की कोई जॉब अवेलेबल होगी तो आपको जो है रिस्पॉन्स भेज दिया जाएगा, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा दोस्तों आपको। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जॉब के अकॉर्डिंगली, जॉब इनके पास अवेलेबल होते ही वो आपकी जो है प्रोफाइल को चेकआउट करके आपको रिस्पॉन्स भेजते हैं रिस्पेक्टिव आईडीज पे। ठीक है, यहाँ पर जॉब्स वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप, जॉब्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी और उन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइंड योर जॉब और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ जॉब्स आ चुकी है हमारे सामने, लेकिन ये जो है फ्रेंच या लग्जमबर्ग लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से आप जा सकते हैं गूगल ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि सारी की सारी जॉब्स जो है ऐसे मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी हैं दोस्तों। जूनियर चेक इन रिसेप्शन एजेंट, केटरिंग असिस्टेंट, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन और अप्रेंटिसशिप एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, एवियोनिक एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, बिजनेस एनालिस्ट, कैमो इंजीनियर, शेफ, कंपैटिबल की जॉब अवेलेबल है। उसके बाद आप सेकंड पेज पे भी जा सकते हैं, करीब 40 जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी पहली कंपनी, अब हम चलते हैं दूसरी कंपनी की वेबसाइट पे। दूसरी कंपनी जो है दोस्तों हमारी होने वाली एक सुपरमार्केट कंपनी जिसका नाम है कैक्टस। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी। मैं पहले से वेबसाइट ओपन करके बैठा हुआ हूँ दोस्तों, मैं रिसर्च करता हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सर्च फॉर अ जॉब ऑफर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की जॉब अवेलेबल है दोस्तों। उसके बाद आपको जो है नीचे कॉर्पोरेट लॉयर्स की जॉब अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगी, वर्सेटाइल एम्प्लॉई की जॉब देखने को मिल जाएगी वाइन डिपार्टमेंट में। उसके बाद आप देख सकते हैं सेल्स सर्विस बुचर शॉप एम्प्लॉई की जॉब अवेलेबल है, बुचर शॉप सेल्स पर्सन की जॉब अवेलेबल है, ट्रेनिंग मैनेजर की जॉब अवेलेबल है, फ्लोरिस्ट जो पौधे वगैरह उगाते हैं उनकी जॉब अवेलेबल है, लर्निंग की जॉब अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्सेटाइल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की जॉब अवेलेबल है, बुचर्स की जॉब अवेलेबल है, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब अवेलेबल है, सेमी ट्रेलर ड्राइवर की जॉब अवेलेबल है जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कैशियर की जॉब अवेलेबल है, मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की जॉब अवेलेबल है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर, कैशियर मैनेजर, ऐसी बहुत सारी आपको जॉब्स देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। सेम प्रोसेस
यहाँ पर भी आपको अपनाना है, सेम प्रोसेस करना है आपको कि जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन करिए और जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें दी गई हैं, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सारी चीज़ों को पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं तभी आपको जो है सीवी भेजना है, अदरवाइज सीवी नहीं भेजना है दोस्तों। और सीवी जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरी कंपनी की वेबसाइट पे। दसमन नाम है इस कंपनी का और यहाँ पर जो है आपको अलग अलग टाइप की सर्विसेज मिलेंगी, दसमन सिक्योरिटी, दसमन सर्विसेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दसमन लेबाडोर, दसमन केटरिंग। तो जो भी सर्विसेज आप देखोगे ना उसके अकॉर्डिंगली जो है अलग अलग टाइप की जॉब्स अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी में सिक्योरिटी एजेंट की जॉब अवेलेबल है, क्लीनिंग सर्विसेज में जो है क्लीनिंग एजेंट की जॉब अवेलेबल है, उसके बाद दसमन लेबाडोर में लॉन्ड्री एजेंट, और केटरिंग में केटरिंग एजेंट की जॉब अवेलेबल है। किसी भी जॉब पे ऐसे क्लिक करोगे सीधा ऑफर वाले ऑप्शन पे, ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है ये जॉब ओपन होगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं द जॉब एवोल्यूशन फॉर्मेशन, ये सारी की सारी जानकारी देखने की मिलेगी। अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक कर सकते हैं आप। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सबमिट योर एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर जो है आपके सामने पेज आ जाएगा दोस्तों जिसमें आपको जानकारी भरनी है और अप्लाई करना है। यहाँ पर इंग्लिश वाला एक ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, उसके बाद जो है आपके सामने पेज जो है इंग्लिश में ओपन होगी। अब जा देख सकते हैं इंग्लिश में होने के बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, आर यू मैन और वुमेन, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं वो सारी मतलब जानकारी भरते हुए जॉब के लिए अप्लाई कर देना है दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल और किस तरीके से आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तरीका बहुत ही सिंपल है, इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको भी जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि जिन कंपनीज के बारे में बताया उन कंपनीज की वेबसाइट पे आपके लिए जॉब नहीं हो, हो सकता है वो आपके सेक्टर वाली कंपनी ना हो, तो आपके लिए और भी कंपनीज अवेलेबल है दोस्तों। बस आपको थोड़ा समय निकालना है, गूगल पर सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, उन जानकारी के जरिए जो है मतलब कंपनियों की लिस्ट निकालिए, कंपनी की वेबसाइट पर जाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए दोस्तों। एक बार सही कंपनी मिलती है तो वीजा भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगी, ठीक है। आई होप जानकारी अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।